सबसे अहम माहौल चल रहा है वो पंजाब में है, जहाँ पर एक शिकस्त फाश हुई है PMLN को और उनकी इतिहादी 12 जमातों को, और आवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। आवाम का फ़ैसला ये है कि पंजाब का जो तख्त है, जो तख्त लाहौर है, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हक है, और ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हक है कि वो किसको नामज़द करती है वज़ारत आला के लिए। कल हमारी कोर कमेटी ने इस ज़मन में जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उनको नामज़द किया है नए वज़ीर आला के लिए। इस वक्त जो नंबर गेम है हमारे पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 188 मेंबर्स हैं। हमारे जो दो पटिशन्स हैं इस वक्त, अब से कुछ देर पहले जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो पिंडी की नशिस्त है उसके ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर का फ़ैसला कालेदम करार दिया है और नई दोबारा रिकाउंट जो है ऑर्डर किया है। इसके साथ जो आपने देखा होगा कि जो टेलीविज़न के ऊपर भी चला और सोशल मीडिया के ऊपर भी रिटर्निंग ऑफिसर का जो स्टेटमेंट चला कि मुजफ्फरगढ़ में जो दूसरी नशिस्त है उसके ऊपर कैसे इलेक्शन हुए, वो आपके सामने है। उसका रिकाउंट जो है और उसका जो रीपोल है उसका भी हमने दे दिया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये PTI की जो नशिस्तें हैं वो 15 से बढ़कर 17 हो जाएंगी और हम 190 के ऊपर जो है वो पंजाब में हमारा नंबर हो जाएगा। असूली तौर के ऊपर इसके बाद, इन इंतखाबात के बाद तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था और तरीके इंसाफ जो है उसको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन एक ऐसा शैतानी खेल पंजाब में शुरू किया गया है, एक ऐसा कभी और मकरू फेल पंजाब में इन इंतखाबात के ऊपर नज़र असरानंदाज होने के लिए शुरू किया गया है कि जिसकी मजम्मत की कोई इंतहा ही नहीं। सबसे पहले जो वज़ीर दाखला है पाकिस्तान का राना सनाउल्ला, आप अंदाज़ा लगाइए कि वज़ीर दाखला जो है वो TV के ऊपर आता है और कहता है कि 5 लोग जो हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। ये वज़ीर दाखला कह रहा है राना सनाउल्ला। उसके बाद जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है वो आती है, वो इसको बयान को अपनी वो कैंडी क्रश खेलते खेलते इंडोर्स करती है। उसके बाद जो इनके बाकी वज़ीर हैं वो भी ये बात करते हैं, और उसके बाद अगर ये मामला बयानात तक रहता तो कोई हरज नहीं था, लेकिन उसके बाद हमारे रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि MPA को 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसफ़ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था वो ये है कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट में तोहीन अदालत की एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्ला के बयानात का ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया है और जो पंजाब में दीगर धांधली है हो रही है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। लेकिन अभी का जो मामला है जो सुबह सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करने जा रहे हैं, 3 MPAs हैं, गज़नफर अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर भक्कर से, इन 3 MPAs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं। जिन एफिडेविट्स जो हैं उनमें ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की और पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसलन कितना काम आ सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं आप बताएं आपकी क्या, हमें कितने लोग चाहिए। उन्होंने कहा जी हमें 10 लोग चाहिए, तो उसने कहा नहीं हमारे पास 14 लोग हैं, ये गुफ्तगू हो रही है, और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फी MPA दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही जो है वो पैसे जो हैं वो हमें हासिल। अब आप अंदाज़ा लगाएं
ये मुल्क जिसमें इमरान खान हमेशा क्या बात करते हैं कि हमारी जो मोरालिटी है, हमारी जो इस क्लास ने जिसने पाकिस्तान को आसफ जरदारी एंड कंपनी जिसने पाकिस्तान को इस तरीके से रूल किया है, वो हमारी इखलाकी इकदार को इतनी पस्त ले गए हैं कि कोई मसला ही नहीं है किसी को पैसे ऑफर करना, कोई मसला ही नहीं है MPs को ख़रीदना, कोई मसला ही नहीं उन्हें भेड़ बकरियों की तरह जो है उठा के इधर से उधर ले जाना। हमारे ये जो मसूद मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहाँ पहुँचा दिया गया है, और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। अब ये जरदारी साहब कौन है? जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। आपने अभी देखा कराची में जो हालात हुए, वहाँ पे इनके पास नाले खोलने के लिए पैसे नहीं हैं, MPA ख़रीदने के लिए 40-40 करोड़ रुपया जो है वो आसफ जरदारी यहाँ पे दे ही जा रहा है, और एक तमाशा लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और अदालतें, इलेक्शन कमीशन से तो खैर किसी खैर की उम्मीद ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो एक बिल्कुल ही एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे बैठा हुआ है जिसमें कोई शर्म हया ही नहीं है, जिसने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सेनेट में फरीदो फरोख, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ट्रैक डाउन करें कि सेनेट में खरीदो फरोख जो हुई, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर एक इंच नहीं हिला, इतने ये इन्होंने बेशर्मी का मुजाहरा किया। अगर इलेक्शन कमीशन ने उस वक़्त एक खुलेआम जिस तरह से वोटें बिक रही थी उसको रोका होता, पाकिस्तान को बेहतर आज माहौल मिलता। कोई जमहूरियत इस सिस्टम में काम नहीं कर सकती कि आप अपोजिशन में हों, आप अरबहा रुपया लगाएं, हकूमत में आएँ, फिर ठेकों से अरबों रुपया आप दोबारा जो है वो वापस कमा लें, और फिर अपने इक्तदार को दमाम बख्शने के लिए वो पैसे खर्च करना शुरू कर दें। ये जो विशेष सर्कल है सियासत का पाकिस्तान में, अगर इसको हमने ना तोड़ा, पाकिस्तान में जमहूरियत कहीं नहीं जाएगी। ये जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है पाकिस्तान में, खसूसन पार्लिमानी जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर इस तरह से पाकिस्तान में लेन देन होने हैं, इस तरीके से पाकिस्तान में पैसे जो हैं वो बांटे जाने हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 35-35 करोड़ रुपया जो है वो एक MPA को ऑफ़र हो रही है, कि आपने करना क्या, आपने बाहर चला जाना है। किसी को दुबई में होटल्स बुक करा के जो है वो दे रहे हैं, किसी को तुर्की में होटल्स बुक करा के दे रहे हैं। ये किस किस्म की पाकिस्तान में हम ये मुआशरा तश्कील देना चाहते हैं, ये किस तरीके से हम ये मुल्क जो है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। कल हम ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे, उसके बाद हमारी जो अर्जदाश्त ये है, हमारी दरख्वास्त ये है, और हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन लॉज के मुताबिक जो इलीगल मींस इख्तियार करने का केस है, सेक्शन 171 है, 174 है गालबन, उनके तहत आसिफ जरदारी को, अता तारड़ को फौरी तौर के ऊपर गिरफ़्तार किया जाए, राना सनाउल्ला को, इन तीन लोगों को, आसिफ जरदारी इनका सरगना है इस वक्त क्योंकि पैसे फंड्स की प्रोविजन जो है वो जरदारी की तरफ से आ रही है। इस शख्स ने तो भुट्टो फैमिली का पहले जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है, पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, फिर नून लीग को इधर फंसाया है, और अब उसको पंप कर रहा है पैसे, उसमें पंप कर रहा है। सो हम ये मुतालबा करते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे, और उसके बाद आसिफ जरदारी, राना सनाउल्ला और अता तारड़, इन तीनों को गिरफ़्तार करके जेल में डाला जाए, और इनके ऊपर इलेक्शंस में खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाए। अब ये तो मामलात हैं जो हमारे सामने हो रहे हैं, हमें नहीं पता और कितने MPAs हैं जिनके साथ राबता जो है वो किया गया है, हमें नहीं पता और कितने लोग हैं जिनको इस वक्त ऑफ़र्स दी जा रही हैं। लेकिन ये बात मैं वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि कोई भी MPA या कोई भी शख्स आपने किसी तौर के ऊपर भी जो यहाँ पर बददियानती में मुलव्वस होगा, पाकिस्तान के अवाम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम कभी भी इस गैर इखलाकी सियासत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अवाम किसी तौर के ऊपर भी इस ख़रीदो फरोख्त को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस तरह के हथकंडों से आप पाकिस्तान में एक और अपने ख़तरात को दावत दे रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का पहली हाल, हमारे हर हालत में हुकूमत से चिमटे रहने का
जो इस वक्त सिलसिला है ये बंद होना चाहिए और मैं मुतालबा करता हूँ कि ये कार्रवाई फौरी हो और इंश्योर करे सुप्रीम कोर्ट कि पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है वो कानून के मुताबिक हो और मुकम्मल इंसाफ के तकाजे इसमें पूरे किए। चौधरी साहब ये बता रहे हैं कि जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन ने आज वाज़ेह ऐलान कर दिया है उसके बाद भी आप समझते हैं शुजात साहब के इनकार के बाद ही तो रेट बढ़ा है। शुजात साहब के इतने तो स्टेटमेंट दे दिया कि परवेज़ इलाही साहब को हम वोट देंगे, अगर वो 10 वोट जो है उसके ऊपर उनका पहले तो ख्याल था ना कि वो गड़बड़ कर लेंगे, वो नाकाम हो गए। अब आप मुझे बताएं 25 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया, 35 करोड़ रुपया जो है और 40 करोड़ तक जो है वो इसकी जो बिड है वो जा रही है, कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है पैसों की? इन तीनों ने जो है वो जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं उनको आगाह किया, उसके बाद लाहौर में जो हमारी पार्टी है उनको आगाह किया और अब उन्होंने एफिडेविट्स भी जो हैं वो तीनों दे दिए हैं जो अभी मैं आपको जारी कर दूंगा। सो दैट आप इस वक्त आपके पास कितने नंबर हैं जिनके साथ आपके रबते हैं जिनसे नहीं हो रहे जो हमारे मैंने तो आज से क्योंकि इमरान खान कल जा रहे हैं लाहौर में, आज भी हैं, इस वक्त तक हमारी पार्लिमानी स्ट्रेंथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है, लेकिन ये तो एक सिलसिला है जो जारी है। सो इंशाल्लाह हमें उम्मीद तो यही है कि ये नाकाम होगा बुरी तरह, लेकिन मतलब पैसों की भी कोई लिमिट होती है ना, इतना पैसा आप ऑफर कर रहे हैं, जिस बंदे ने ज़िंदगी में 50 लाख इकट्ठा नहीं देखा उसको 50 करोड़ आप इकट्ठा दे रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कितना पैसा। फाजी साहब ये बता दें इमरान खान साहब का जो छोरो के खिलाफ, अब आप समझते हैं टाइम भी कम है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, तो बहरा ज़्यादा देना पड़ेगा पार्टी ने? बहरा तो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर कीमत इतनी ज़्यादा लगा देंगे, पैसे इतने ज़्यादा लगा देंगे। देखिए ना ये जिस तरीके से कर रहे हैं जरदारी एंड कंपनी, इनका मसला ये है कि ये हर हालत में हुकूमत से चिमटा रहना चाहते हैं। हुकूमत से क्यों चिमटा रहना चाहते हैं? क्योंकि इनको मंथलियाँ आ रही हैं। आपने जरदारी का ज़रा केस उठा के देखे ना जो फेक अकाउंट्स का है, इनको तो हर हफ्ते जो है वो करोड़ों अरबों रुपये जो है इनके अकाउंट्स में जाते हैं, हर ठेकेदार जो है वो इनको इनका हिस्सा पे कर रहा है, ये तो एक तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क में। सो इसके ऊपर जो है हम तो सुप्रीम कोर्ट ही एक इदारा है जिससे आप तवक्को करते हैं कि वो आगे इसके ऊपर जो है वो शफाफियत यकीनी बनाएगा और कतई तौर के ऊपर इजाज़त नहीं देगा कि इलेक्शन इस माहौल में। आज ये सब ये कहिएगा कि नंबर गेम जो है वो बड़ा क्लोज है और ऑफर बड़ी ऊपर जा रही है दिन ब दिन, आप क्या तवक्को करते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को आप वज़ीर आला बनाने में कामयाब हो जाएंगे या आप भी 50-50 में? नहीं नहीं, परवेज़ इलाही साहब को हम वज़ीर आला तो बना देंगे वो इंशाल्लाह। नंबर गेम तो हमारी बहुत कंफर्टेबल है, इस वक्त नून लीग के पास तो 176-178 के करीब लोग हैं, हमारे पास इस वक्त जो है वो 188 लोग हैं और अगर ये दो रिकाउंटिंग कल हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह ताला हम जो है वो 189 के ऊपर भी जा सकते हैं और फिर 190 के ऊपर भी जा सकते हैं। तो नंबर गेम में हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बात आवाम के नोटिस में लाना ज़रूरी है, आप मीडिया के नोटिस में लाना ज़रूरी है कि आप देखें इस तरह से अगर इस मुल्क में जमहूरियत चलनी है, इस तरह से इस मुल्क में आपने इस तरह से एक अंबार लगा देने हैं पैसों के, आप पैसे हुकूमत से में हों, आप रिश्वत लें, पैसे कमाएं, फिर आप उनसे हुकूमत खरीद लें, ये सिलसिला तो ख़त्म होना चाहिए। तो ये थे आपके मेंबरान छह, वो आ गए जी, वो आ गए साहब। और सर पहले सिंध हाउस में मंडी लगी, अब सिंध वाले पंजाब में पहुंच गए, क्या ये जो रवायती सियासी जमातें हैं ये पाकिस्तान को श्रीलंका वाला माहौल करना चाहते हैं कि आवाम इनके खिलाफ निकले? देखिए मसला ये है कि इनका ये आवाम को कुछ समझते नहीं है, सबसे बड़ा मसला भी यही है कि इनके नज़दीक आवाम की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है, लिहाजा वो जब भी ये बात होगी वो आप देखेंगे कि उनकी प्रायोरिटी में आवाम नहीं आते। बहरहाल हमें तो देखें ना, तवक्को हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें ये है कि अगर सिंध हाउस में होने वाली ख़रीदारी का उस वक्त नोटिस ले लिया गया होता तो पाकिस्तान में हालात बेहतर होते, इस सेनेट में अगर जो कुछ हुआ उसका इलेक्शन कमीशन नोटिस ले लेता हालात बेहतर होते, आज फिर एक तमाशा लगा है, आज फिर एक मंडी लगी है, हमारे इदारे कब तक जो है वो इसको बगैर किसी कार्रवाई के जो है वो जाने देंगे? सवाल तो ये क्या और आसफ़ जरदारी को
अता तारड को राणा सनाउल्लाह को 100% जेल के पीछे होना चाहिए इस ऑफेंस में, ताकि मिसाल बने पाकिस्तान के लोगों के लिए और जमहूरियत के लिए कि कोई शख्स ये जुर्रत ना करे आइंदा इस तरह की। आपके अरकान जो है मुखरिज भी हो रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, कुछ बात क्या क्या पीछे है कि जो गलत पॉलिसी है, इस तरह आप लोगों ने टिकट जो है गलत लोगों को दिए, या फिर जो है परवेज लाही को वजीला का जो है वो कर रहे हैं, कि जिन अरकान से बात भी है क्या उनके फोन कार्ड जो है वो भी आप पेश करेंगे अदालत में, फ़ोन रिकॉर्ड भी उनके पेश कर देंगे, फ़ोन रिकॉर्ड भी दे देंगे। लेकिन असल बात यह है कि ये देखें, ये आप जो कह रहे हैं ना टिकट गलत दें, आपने मुआशरे से ही लोग लेने हैं ना, वो हम आप फरिश्ते कितने के ढूंढे हैं, हम हर बंदा फरिश्ता तो नहीं होता, जब आप टिकट दे रहे हैं आप उसकी क्वालिटी देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब इतना बड़ा पैसा ऑफर हो रहा हो तो आप मुझे बताएं कितने लोग जो है उसको सस्टेन कर सकते हैं। लास्ट में सिर्फ इतना बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तो आप जा रहे हैं, अब 22 को इलेक्शन है, कम वक्त को थोड़ा है, तो सर आप कैसे आप इसको मेक श्योर कैसे करेंगे कि एक बंदा आपका तुर्की चला गया, बाकी को किस तरह कंट्रोल करेंगे, आप एक मैकेनिज्म बनाए? ये मैकेनिज्म बनाए हैं हमने, अपने चेक्स बनाए हैं। लेकिन देखें हम इसमें इस मामले में हम अकेले पार्टी नहीं हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान की आवाम है, और इसीलिए आपके तवसुत से पाकिस्तान के अवाम के सामने हम अपना मुकदमा रख रहे हैं कि वो इसका नोटिस लें। सबसे बड़ा नोटिस अवाम ने दिया है, अब तक जितने बड़े नोटिसेज आए हैं असल में अवाम की तरफ से आए हैं, और हमारा असल मतमा नज़र यही है कि हम अवाम को बता सकें कि मुल्क में क्या हो रहा है। उम्मीद है इदारे भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।